मुरादपुर में एक बार फिर पारधी समुदाय का कहर देखने को मिला। करीब दर्जन भर पारधी समुदाय के लोगों ने विद्युत विभाग के फिटर पर काम कर रहे कर्मचारियों पर जानलेवा हमला किया। कर्मचारियों को डंडों से पीटा और हवा में गोलियां भी चलाई। आपको बता दें कि चुनाव के चलते फिटर का एक ट्रांसफार्मर खराब हो गया था, जिससे सप्लाई बंद हो गई थी। सप्लाई को बहाल करने के लिए विद्युत कर्मियों ने अपने स्तर से विद्युत प्रदाय शुरू किया, जिसमें वह 24 घंटे गांव को विद्युत नहीं दे पा रहे थे, जिससे नाराज होकर पारधी समुदाय के कुछ लोगों ने फिटर पर काम कर रहे कर्मचारियों को पहले तो बेरहमी से पीटा, फिर हवा में गोलियां भी चलाई। जैसे ही इसकी भनक ग्रामीणों को लगी तो वह मौके पर पहुंच गए, जिनको देखकर पारधी समुदाय के लोग वहां से भाग खड़े हुए। विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज करा दी है और पुलिस ने भी मामले को संज्ञान में ले लिया है, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी भी कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जालम किरार इस वक्त हमारी फोन लाइन पर मौजूद हैं। जालम, बताइए क्या है पूरा मामला और पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? जी, ये हुआ था कि जो फीटर है, लाइट का जो फीटर रहता है ट्रांसफार्मर वाला, तो ट्रांसफार्मर जो था वो मुरादपुर चक में था, और जो मुरादपुर जो चक है वहां पे पारधी लोग निवास करते हैं, और उसके बाद में बाजू में जो गांव है मुरादपुर, वहां जो डीपी थी वो डीपी जल चुकी थी। तो जो मुरादपुर में जो फीटर पे जो लोग काम करता था लाइनमैन, वो ना उसने टाइम टाइम से वो उस फीटर से मुरादपुर के गांव में लाइट देता था। तो लाइट जो देता था ना, तो वहां पे काफी दिनों से दे रहा था। तो फिर वो जो पारधी लोग है उनमें से कोई आया, उनने कहा आप हमारे फीटर से उन गांव वालों को लाइट नहीं दोगे। तो गांव वालों को लाइट नहीं दोगे तो उनने बोला कि भाई मैं तो लाइट दूंगा, लाइनमैन बोला मैं दूंगा। तो वो लोग आए और आके नहीं उनने डायरेक्ट हवा में फायरिंग कर दी। ये हुआ है जी। पुलिस मौके पे पहुंची है अभी तो, लेकिन छानबीन चल रही है, और सुनने में ये आया है कि गांव वाले पुलिस के साथ में कहीं पे गए हैं, पुलिस थाने पे गए हैं या गांव में गए, अभी ऐसा कुछ है नहीं। हमारे साथ विद्युत अधिकारी राणा साहब भी फोन लाइन पर मौजूद हैं। राणा साहब, बताइए पूरा मामला क्या है और किस तरह से घटनाक्रम को अंजाम दिया गया? साहब, मुरादपुर में जी, मुरादपुर में मैं तो थाने ही था, वो पारधी लोग आ गए जी, उनने वहां पर उधम किया, चलो भाई पावर ट्रांसफर जल गया, तो सप्लाई के अपने हिसाब से मैंने चल रही थी चुनाव के हिसाब से जी। तो अब वो क्या है कि वो अपने हिसाब से चलवाना चाहते हैं 24 घंटे जी, वो हम दे नहीं पा रहे, हम 10 घंटे दे पा रहे हैं अपने हिसाब से जी। हम बिना तो चक्कर में सब इकट्ठे करवा के पारधी लोग आ गए, तो ऑपरेटर को हमारे को मारा जी और गोली मोली चला दी। फिर गाँव के लोग इकट्ठे आ गए तो उन्होंने भी उधर हमला किया, तो कोई गाड़ी पता ऐसा लगा है, तो मैं भी चला था, पुलिस भी और गाड़ी वाड़ी सारी पकड़ ली है पुलिस ने जी, और बाकी भाग गए। फिर जब गांव इकट्ठे हुए पारधी लोग थे, वो उधर से गांव वाले इकट्ठे हुए, जब तक वो भाग गए कहीं नाम पता नहीं चल रहा, पुलिस वाले लोग तलाश कर रहे हैं। हाँ, उसको चोटें लगी है, पुलिस रिपोर्ट हो रही है, गोली तो हवा में चलाई उन्होंने, पारधी और डंडे मंडे मारे हैं। 9 मोटरसाइकिल थी। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। समस्या पर है कि क्यों पुलिस इस तरह के संगीन मामलों को दबाने का काम करती है, क्यों वह खुलकर कुछ भी नहीं कह पाती।